सत्यमेव जयते। कुछ बच्चे पिछले कुछ दिनों से लगातार जिद कर रहे थे कि सर एक्सरसाइज में वीडियो बनाइए, क्योंकि आपका एक्सपर्टीज उसी में है। आप इतने दिनों से एक्सरसाइज करा रहे हैं, डिफरेंट इंटरनेशनल लेवल का कोर्सेज किया आपने ट्रेनिंग पर, फिटनेस पर, तो उसका फ़ायदा हम लोग को अभी मिलना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग की छुट्टियाँ चल रही है, हम लोग घर पर हैं। लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए इतना लेट हो गया। तो आज मैं बैठा हूँ आप लोगों से बातें करने के लिए, और बिना समय गवाए मैं मूल मुद्दे पे आता हूँ। क्योंकि बच्चे पूछते हैं इम्यूनिटी सिस्टम कैसे बढ़ाए एक्सरसाइज के थ्रू। तो एक चीज़ जो स्पेशलिस्ट है एक्सरसाइज के, और जो जो लोग स्पोर्ट्समैन हैं, जो जिम करते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि HIIT, क्योंकि बाकी लोग शायद समझ ना पाए इस आइटम, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग अभी ना करें, हार्ड कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी ना करें, प्रोलॉन्ग्ड एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा ना करें, यानी बॉडी को स्ट्रेस ना दें। जैसे आपकी इफिशियंसी अगर 100 है तो आप 80 ही करें, अभी अपने 80% से ज़्यादा एफर्ट में ना जाए। क्योंकि आप सभी जानते होंगे, और जो एक्सरसाइज करते हो नहीं जानते उनको मैं बता दे रहा हूँ, कि बॉडी जो है कोई भी जब नया लोड लेती है तो लोड के बाद रेस्ट का जो समय होता है उसमें एडेप्टेशन पीरियड आता है, तो बॉडी उसको अडेप्ट करती है। तो जो एडेप्टेशन पीरियड होता है नया चीज़ का, उस दौरान इम्यूनिटी सिस्टम घट जाती है। तो याद रखिए, अगर आप अभी जिस लेवल पे आप है उससे ज़्यादा भी हार्ड, थोड़ा भी ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग कीजिएगा तो उस दौरान आपकी इम्यूनिटी सिस्टम घटी रहेगी। और अभी का जो दौर है वो ऐसा है, अभी का जो समय चल रहा है उसमें हर किसी को अपनी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ानी है। तो मैं आज वही एक्सरसाइज कराऊंगा जो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाए, और मैं ऐसी टर्म का उपयोग करूंगा जो जनरल पब्लिक भी समझ सके। जो भी वीडियो देखे जिनको जानकारी नहीं है फिजियोलॉजी की, एनाटॉमी की, और एक्सरसाइज मेथोडोलॉजी की, उसके एक्सरसाइज साइंस की, वो भी उस टर्म को समझ सके, मैं वो बात करूँगा। जैसे एक्सरसाइज एरोबिक और एनारोबिक होती है, तो एरोबिक और एनारोबिक का टर्म अगर मैं बताना शुरू करें, एरोबिक मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसमें किस किस तरह से एनर्जी टूटता है, और मैं ज़्यादा डेप्थ में साइंस में चल जाऊँगा तो वो समझ में नहीं आएगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिटर सिस्टम क्या है, क्रैब साइकिल कैसे टूटता है, किस तरह जो है एडेनोटाइफास्फेट एडेनोडाइफास्फेट चेंज होता है, ये सब नहीं सीखना आपको। सीधी सीधी बात, अगर जनरल पब्लिक समझना कि एरोबिक एक्टिविटीज़ क्या है, तो मैं इतना सिंपल टर्म बता रहा हूँ कि आप सभी समझ जाएँ। जिस एक्सरसाइज या जिस एक्सरसाइज वाले एक्टिविटी को आप 5 मिनट से ज़्यादा बिना कोई स्ट्रेस लिए, बिना कोई ज़्यादा स्ट्रेस लिए आराम से कंटिन्यू कर सकते हो, सभी एरोबिक एक्टिविटीज़ है। जैसे वॉकिंग, वॉकिंग कोई भी कंटिन्यू कर सकता है, तो वो वॉकिंग है एरोबिक एक्टिविटीज़। इज इट क्लियर? स्विमिंग भी है, लेकिन स्विमिंग हर किसी के लिए नहीं है। जो स्विमिंग में पारंगत हैं, जो या जो स्विमिंग रिदम के साथ कर पाते हैं, उनके लिए वो भी एरोबिक है। साइकिलिंग, प्लेन सरफेस में साइकिलिंग करना, वो भी 5 मिनट कोई भी कर सकता है। डांसिंग भी एरोबिक एक्टिविटीज़ है, जब आप रिदम में आराम से डांस कर रहे हो तो, ठीक है, डांसिंग। तो ये सारे एक्टिविटीज जो रिदम में किए जाते हैं, एरोबिक डांस भी होता है जिसमें म्यूजिक धीरे धीरे बढ़ता है और आप एक्टिविटी करते हैं, तो भी आप 5 मिनट आराम से सस्टेन कर सकते हैं। तो ये सारे एक्टिविटीज़ एरोबिक एक्टिविटीज, एनारोबिक जो फास्ट या स्ट्रेंथ वाले एक्सरसाइज है उसको एनारोबिक एक्टिविटीज़ कहा जाता है, जिसको आप 5 मिनट, जैसे तेज़ दौड़ेंगे तो आप 15 सेकेंड में, सामान्य आदमी भी तेज़ दौड़ता है तो 100 मीटर दौड़ जाता है। हम लोग 12 सेकेंड में दौड़ते थे, 12, 12:30 के करीब। बहुत लोग अभी जो अच्छे एथलीट है वो 11 में दौड़ते हैं यहाँ के, और बाकी वर्ल्ड रिकॉर्ड तो आप जानते हैं 9.8 करीब है। तो जो है इतना तेज कोई भी 100 से 200 400 मीटर दौड़ सकता है, यानी कि ज़्यादा 1 मिनट, उससे ज़्यादा कंटिन्यू वो स्पीड को नहीं कर सकता है। तो जिस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं वही है। अब मैं बिना समय गवाए शुरू करता हूँ अपनी बात को। अब यहाँ से हम लोग, और जो भी वीडियो खोले हैं उनसे आग्रह है कि ये वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आधा नॉलेज जो है नॉलेज नहीं रहने से ज़्यादा खतरनाक है। तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप मेरी बात को पूरा समझ पाएँ और प्रैक्टिकली जान पाए क्या है। नहीं तो मान चला आपने वीडियो खोला और बीच में ही बंद कर दिया, तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे कि मैं पूरा क्या बोल रहा था और क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले वो एक्सरसाइज, अब एक्सरसाइज में जो करा रहा हूँ समझ लीजिए, हमारे बॉडी में जो भी हड्डियाँ हैं वो हड्डियाँ लीवर का काम करती हैं, यानी कि अंदर से सपोर्ट करती हैं हमारे मूवमेंट को। अगर हड्डियाँ ना हो तो हमारा मांस ऐसे गोल सा हो जाएगा और हम लोग घसक के ही चल पाएंगे, खड़े नहीं हो पाएंगे स्टैंड अपना। नेक्स्ट, जो मूवमेंट हम ग्रेसफुल कर पाते हैं, जो डांस के समय या जिमनास्टिक के समय या स्पोर्ट्स के एक्टिविटीज के समय जो ग्रेसफुल मूवमेंट कर पाते हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो बोन अंदर में एक फ्रेमवर्क देता है, और उस बोन को चलाने के लिए मसल्स हमारा पावर देता है। ब्रेन से सिस्टम जाता है, स्टिमुलेट होता है। अब उसको भी मैं ज़्यादा डेप्थ नहीं जाऊँगा कि कैसे प्रोटीन फिलामेंट थ्योरी काम करता है बॉडी के अंदर। फिलहाल जो है सिर्फ ये समझिए कि हमारा एनर्जी जो है वो
मसल्स से जाता है, तो मसल्स से जो एनर्जी जाता है तो पूरे मेजर मसल्स को एक्टिवेट करना है, और मसल्स से जो भी मूवमेंट करते हैं वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं उसको, और उसको स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं क्योंकि स्केलेटल को मूव करने का काम वो करता है और स्केलेटल से सटा हुआ है वो स्केलेटल मसल्स, उसको स्टेटेड मसल्स भी कहते हैं। तो उन मसल्स में डिफरेंट अगर जॉइंट को अगर हम हिला लिए ठीक से तो सारा मसल भी मेजर एक्टिवेट हो जाएगा और आपका बॉडी भी फ्री होगा, स्मूथ होगा। और भी जैसे एक्सरसाइज को चार तरीके से बांटा जाता, तीन तरीके में पहले बांटा जाता है, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक। आइसोमेट्रिक मतलब जहाँ विजुअल मूवमेंट नहीं है, जैसे मैं अगर बैठा हुआ हूँ और थोड़ा सा उठना चाहूँ और आधा पे बैठ जाऊँ तो यहाँ क्या है कि हिल तो नहीं रहा हूँ लेकिन मेरा बॉडी अदर में बहुत थक रहा है, तो ये, या फिर दीवार पुश कर रहा हूँ तो यहाँ विजुअल मूवमेंट नहीं, तो आइसोमेट्रिक। जो विजुअल मूवमेंट जो अभी करूँगा वो सब आइसोटोनिक। और जो मशीन के द्वारा हम अपने स्पीड को मैनिपुलेट कर पाते हैं वो आइसोकाइनेटिक। तो फिलहाल आज हम लोग करेंगे सिर्फ आइसोटोनिक साइजेज, जो कि आपको, और कहीं कहीं चार जगह बांटा है, जो कि है हाई इंटेंसिटी कार्डियोवास्कुलर, जिसको कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग करते हैं। कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग मैंने लंबे समय तक जो एक्टिविटी, जो रनिंग वनिंग हुआ या फिर लंबे समय तक वॉकिंग हुआ, जो एरोबिक में बोल रहा था, उसको कंटिन्यू सस्टेन करना था तेज़ी में, हल्का सा तेज़ी में करके, जहाँ हार्ट बीट बढ़ा रहे, यानी हार्ट बीट करीब करीब 120-130 के करीब रहे, तो उस एक्टिविटी सस्टेन करें तो कार्डियोवास्कुलर। हार्ट बीट जिस एक्टिविटी जो बहुत बढ़ जाए, 160-180 पहुंच जाए, वो हो गया स्ट्रेंथ एंड स्पीड ट्रेनिंग या हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग, कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग, थर्ड फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग, और चौथा बैलेंसिंग, बैलेंसिंग एक्सरसाइज। तो बैलेंसिंग एक्सरसाइजेज, ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज, और दो एक्सरसाइज जो मैंने कहा हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग वाली, तो ये भी चार बांटा गया। तो सबसे ज़्यादा अभी फायदेमंद आपके लिए है घर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज करना लंबी ब्रीदिंग के साथ, ताकि ऑक्सीजन पूरा जाए अंदर, आपके बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी मिले, और वो इम्यूनिटी सिस्टम को सबसे ज़्यादा स्ट्रांग करेगा आपका। जैसे अब स्टार्ट करता हूँ मेजर जॉइंट्स अगर नीचे से, क्योंकि मेरे कोच जो है मुझे बोलते थे एक्सरसाइज कराएं तो बोलते थे या तो ऊपर से नीचे कराओ या नीचे से ऊपर जॉइंट कराओ ताकि याद रहे। तो जैसे अगर आपका नीचे से एक्सरसाइज शुरू करे तो सांस लेते हुए इसको ऊपर खींचिए और सांस छोड़ते हुए इसको नीचे ले जाइए। अब थोड़ा सा इसमें योग और एक्सरसाइज दोनों को मैंने मिला दिया है, क्योंकि वो एक्सरसाइज जिसमें आप ब्रीदिंग को ध्यान दे सकते हैं उसे योगासन भी कहते हैं। तो ये जॉइंट का एक्सरसाइज एक हो गया। अब इसमें क्या है, इधर खींच के रोके तो योग की भाषा में इसको अंतर्कुंभक बोलते हैं, बाहर छोड़ के रोके बहिर्कुंभक बोलते हैं। अंदर थोड़ा रोके, सांस भी रोके रहे, खींचे रहे इसको, फिर सांस छोड़ते सब नीचे, फिर सांस छोड़ा हुआ रोके रहे, नीचे रोके रहे। इसको कम से कम 5-10 बार करना है, मैं याद कराने कर रहा हूँ, वीडियो पाज करके आप 5-10 बार करके फिर आगे बढ़िएगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो ये जॉइंट्स का एक्सरसाइज हो गया, तो इसमें फिंगर के जॉइंट्स का और इस जॉइंट्स का हो गया। तो मेजर जॉइंट जो यहाँ एंकल का है, फिंगर के जॉइंट्स जो हैं वो सिर्फ ऐसे ऐसे घूमते हैं पैर के, तो ऊपर नीचे जो सिर्फ घूमते हैं उसको हिंज जॉइंट बोलते हैं, और यहाँ ग्लाइडिंग एक दूसरे के ऊपर घसक जा रहा है ये हड्डी, ग्लाइडिंग जॉइंट्स। नी का आप कर लेते हैं, तो नी का दो एक्सरसाइज आप कर लीजिए, एक तो फ्री कर लीजिए इसको थोड़ा, तो सांस छोड़ते हुए इधर लाइए, सांस लेते हुए इसे, सांस छोड़ते हुए इधर, सांस लेते हुए इसे, सांस छोड़ते हुए इधर, सांस लेते हुए इसे। अब इसको जो है आप बोलेंगे कि एक्सरसाइज और योग को क्यों मिला रहे हैं, तो फिलहाल मैं एक थोड़ा सा टर्म बता देता हूँ कि जब भी बॉडी कहीं भी स्क्विज होता है, अपनी ओर आ रहा है, तो वहाँ पर सांस को छोड़ना है, और जब फैल रहा है तो लेना है। ये पूरा साइंस है, पतंजलि जी ने जो भी बताया था वो पूरा साइंस से आज प्रूफ हो रहा है कि जब भी हम लोग मोड़ते हैं बॉडी को तो मसल्स अंदर के सेल थोड़ा स्क्विज होते हैं, जिस भी जगह करो उस जगह के, जब स्क्विज होते हैं तो वहाँ से अगर कार्बन डाइऑक्साइड या वेस्ट निकलेगा तो ज़्यादा अच्छा निकल पाएगा, और जब फैलता है तो इंटरनल रेस्पिरेशन दो होता है, एक्सटर्नल लंग्स तक, इंटरनल लंग्स से फिर जो ऑक्सीजन कैरी होकर चारों ब्लड के थ्रू जा रहा है वो इंटरनल रेस्पिरेशन तो एक्सटर्नल लंग्स तक, इंटरनल ब्लड तक, तो वो जो इंटरनल जा रहा है उसके लिए ज़रूरी है कि सांस पर ध्यान देकर तो ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा, ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा। तो घुटना मोड़ रहे हैं तो ये मुड़ रहा है, तो यहाँ पर हमको सांस को छोड़ना है, और जब ले रहे हैं फैल रहा है, वेसल्स पूरा फैल रहा है, वहाँ लेना है। तो दोनों ओर इसको फ्री कर लीजिएगा 5-5 बार कम से कम, 5-10 बार ये दोनों कर लीजिएगा। ये करने के बाद बैठे बैठे इसको पकड़ सकते हैं, इसके बाद लंबी गहरी सांस लिए, वहाँ रोके छोड़े रोके, लिए रोके छोड़े रोके, लिए रोके, इसको भी दोनों पैर को
मैं ज़्यादा बार नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो आप इसको पॉज करके पाँच दस करके फिर आगे बढ़ाएगा कि ये हो गया, अब आगे क्या करना है। तो ये जॉइंट हमने कर लिया। अब ये हिप जॉइंट पे आते हैं। तो हिप जॉइंट के लिए लंबी गहरी सांस लिए, सांस छोड़ते हुए इधर मुड़े, फिर सांस लिए लेते हुए सीधा, मुड़ते हुए इधर, सांस लेते हुए सीधा, मुड़ते हुए इधर। ये तीन बार कम से कम, 5-10 बार भी कर सकते हैं, जितना आपको कंफर्टेबल लगे, टाइम है आपके पास जितना, उस हिसाब से दोनों मुड़ लीजिए। इससे कमर की ये नीचे का जो जॉइंट है और जो हिप का जॉइंट है वो एक्टिव होता है। इसी जॉइंट के को एक्टिव करने के लिए अर्धतितली और पूर्ण तितली आसन भी है। इसको घुमा लिए तो ये जो जॉइंट है यहाँ पे हिल गया, क्योंकि ये जॉइंट हिल नहीं सकता, ये हिंज जॉइंट है, यहाँ से एक्टिव होगा। इसको 40-50 कर लिए, फिर इसको इधर से मोड़ के इसको भी 40-50 बार कर लीजिए। ये दोनों करने के बाद दोनों को साथ मिला के भी कर लीजिए। तो ये वाला पूरा एक्टिविटी कर लिए आप। तो जब ये पूरा एक्टिविटी कर लीजिएगा तो थोड़ा सा कमर को ट्विस्ट करने से पहले थोड़ा सा झुका लेंगे, लंबी गहरी सांस लिए, नीचे लेके वहाँ था रुके, ले आए। कहीं जर्क नहीं, बॉडी में जर्क मत दीजिए। अभी जर्किंग वाला कोई आसन या कोई एक्सरसाइज ऐसा मत कीजिए। सांस लेते ऊपर ये करना है, इसी में पैर फैला के भी कर सकते हैं। सांस लंबी लीजिए, सांस छोड़ते इधर ले गए। और एक बात और, आसन एक्सरसाइज में थोड़ा सा अंतर है, दोनों को मैं मिला के बता रहा हूँ। अभी मूवमेंट जर्किंग नहीं करना, क्योंकि बॉडी बहुत वार्म नहीं रहेगा आपका। शरीरम स्थिरम सुखम आसनम, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो आसन आप कर रहे हैं अभी वो जर्क नहीं, आराम से। ऐसे एक्सरसाइज में भी कहता है कि जब तक बॉडी बहुत हीट नहीं हो जर्किंग मूवमेंट एकदम नहीं करना चाहिए। नीचे गए, सांस लेते ऊपर, फिर साइड जाएंगे, सांस छोड़ते नीचे। तो ये वाला भी तीन बार इधर कर लीजिएगा। उसके बाद इसको मोड़ लीजिए और जॉइंट को और एक्टिव करने के लिए लंबी गहरी सांस दिए, दोनों पैर को बाएं साइड ले जा रहे हैं, तो चेहरे को दाएं साइड, फिर इसको अगर इधर ले जा रहे हैं दाएं साइड, तो चेहरे को बाएं साइड, और कोशिश की इसको भी बाएं साइड पूरे, ताकि पूरा पीठ और ये ट्विस्ट हो जाए, क्योंकि वहां पर लास्ट में ग्लाइडिंग मसल सब है रीढ़ की हड्डी में, तो ग्लाइड करे एक दूसरे पर, वो एक्टिव रहे। लेकिन जहाँ पेन हो रहा है वहाँ रुक जाना, उतना ही दूर तक करना है जहाँ तक आपको थोड़ा सा स्ट्रेस लग रहा हो और हल्का अच्छा दर्द हो रहा है, मीठा दर्द, वहीं तक करना है। हल्का खिंचाव का मीठा दर्द चलेगा, लेकिन ज़्यादा आपको जहाँ पेन हो रहा है वहाँ रुक जाना है। अब यहाँ तक का हम पार्ट एक्टिव कर लिए, रीढ़ की हड्डी तक का। अब जो है हम लोग कंधा, तो कंधा से पहले जो कॉलर बोन की यहाँ हड्डी जुड़ी हुई है पीछे, तो इस तरफ के मसल जो पीछे ट्रेपेजियस और लैटमिस डार्सी इधर के जो मसल्स है उनको एक्टिव करने के लिए थोड़ा पीछे से आगे की ओर मूवमेंट। और आगे से पीछे का मूवमेंट, इसको 10 times पीछे से आगे, आगे से पीछे की ओर। तो ये पीछे का जब एक्टिव हो जाएगा उसके बाद यहां पांचों उंगलियां रख के इसको एक्टिव करना है। तो ये 20 times कर लीजिए, 10 times कम से कम, 10 times पीछे से आगे की ओर, 10 times आगे से पीछे की ओर, ये कर लीजिएगा। तो यहाँ तक का हो गया। अब इसको करने के लिए सामने खोल लीजिए, तो फिर वही करना है जो गोल का मूवमेंट है, जो भी गोल मूवमेंट है इस तरह का। तो इसमें ब्रीदिंग नॉर्मल रखनी है, धीमी लंबी गहरी सांस लेते छोड़ते रहनी है। लेकिन जहाँ फिर यहाँ खुल रहा है तो खुलते समय सांस लिए, मुड़ते समय सांस छोड़े, लिए छोड़े, इधर भी कर सकते हैं लिए छोड़े, ऊपर भी कर सकते हैं लिए छोड़े, या तीनों भी आप कर सकते हैं। तो ये पूरा घुमाया, ये तो यहाँ तक का, अब हिंज जॉइंट से यहाँ तक एक्टिव हो गया। अब ये जॉइंट बचा कलाई का, तो उसके लिए अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, ये घुमा लिए, उल्टा भी घुमा लिए। तो ये देखिए नीचे से सारे मेजर जॉइंट्स का एक्सरसाइज हो गया, सारे जॉइंट्स का एक्सरसाइज ना, सारे छोटे बड़े मसल्स का एक्सरसाइज। मसल्स का भी डिफरेंट नाम है अब, जैसे यहाँ कफ मसल्स, पीछे का हैमस्ट्रिंग, आगे का थाई, इधर पे पीछे पे साइड में जो है ट्रेपेजियस चल रहा है, सॉरी ट्रेपेजियस पीछे साइड में, सोलियस यहाँ पे है, आगे वाला बाइसेप्स, पीछे वाला ट्राइसेप्स,
तो ये जो डिफरेंट मसल्स है, मेजर मसल्स, तो सारे तो 625 मसल्स हैं, हम लोग को 30-40 मसल्स का नाम याद है जो मेजर चारों मसल्स हैं। तो उतने उससे मतलब नहीं कि आपको नाम मालूम कि नहीं, सारे जॉइंट्स का कीजिए तो सारे मसल्स लगभग हो जाएंगे। तो यहाँ तक घुमा लिए, घुमाने के बाद सारे उंगलियों को खींच लीजिएगा, आराम से खींचिएगा, जैसे लंबी गहरी सांस लिए, रोके तब तक खींचे हुए, फिर छोड़े, आराम से करना है। मैं थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ लेकिन आपको आराम से करना है इसको, हर एक उंगली को धीरे धीरे लंबा खींचे, रोके, छोड़े, इसी को पीछे नीचे साइड से भी सबको कर लिए, फिर उसके बाद ऐसे खोलना बंद करना है ताकि सब एक्टिव हो जाए। अब सारा उंगली से लेकर सब कुछ एक्टिव हो गया। अब यहाँ पर ऊपर का जॉइंट, इसको कॉन्डिलॉइड जॉइंट बोलते हैं, यहाँ पर जो है आप आराम से इसको एक्टिव करना है, सांस लिए पीछे, सांस छोड़े आगे, सांस लिए इसको 3 बार साइड साइड भी, सांस लिए सीधा, सांस छोड़े साइड, सांस लिए सीधा, सांस छोड़े साइड, ये फिर दोनों साइड साइड भी, सांस लिए सीधा, सांस छोड़े, धीरे धीरे। उसके बाद एक दूसरे के विपरीत दम लगा सकते हैं, लंबी गहरी सांस लेकर रोक लीजिए, इधर से धक्का दे दीजिएगा सांस रोके हुए पूरा, फिर लंबी गहरी सांस लीजिएगा, इधर से भी धक्का दे के रोके रहिएगा, फिर लंबी गहरी सांस लीजिएगा, पीछे से धक्का दे के रोके रखिएगा, फिर लंबी गहरी सांस लीजिएगा, सामने से धक्का दे के रोके रहिएगा, ठीक है। तो ये पूरा शरीर का जो बेसिक सारा था बैठे बैठाए आपने सारा कर लिया, कम से कम जगह पे। मैं ऐसा एक्सरसाइज बता रहा हूँ, घर में कम से कम जगह पर कर लीजिए और सब कुछ आपका ठीक रहे। अब जिसको बॉडी को थोड़ा एनर्जाइज करना है, एक्टिव करना है, उसके लिए मैं थोड़ा पावर योगा कहिए या फिर ऐसे एरोबिक एक्सरसाइज जो तुरंत एनर्जी देते हैं, और 5 से 10 मिनट नए लोग करें और जो पहले से अभ्यस्त है करने का वो 20 से 30 मिनट भी कर सकते हैं। तो मैं 20 से 30 मिनट करता हूँ, लेकिन मैं प्रेस्क्राइब करूँगा, जैसे मेरे घर में जो बच्चे अच्छे करते हैं उनको मैं बोलता हूँ 5 से 10 मिनट काफ़ी है, उतना ही किया कीजिए। तो कोई म्यूजिक अब नित्य थोड़ा ऊपर कर दीजिएगा उसको, कैमरा को देखिए, जहाँ तक मेरा नीचे से ऊपर तक आ जाए वहाँ तक कर दीजिए, और ऊपर कर सकते हो, और ऊपर कर दीजिए, देखिए यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक आ जाए, आ जा रहा है। अब जैसे जब बैठे बैठे किया और आपको मन है कि आज बैठ उठ के एक्सरसाइज नहीं करना है, खड़े खड़े ही घर में एक्सरसाइज करना है, बैठने उठने का उतना जगह नहीं जिसके पास, तो इसके बैठने का जगह उतना नहीं है, वो यही सब चीज़ को खड़े खड़े भी कर सकते हैं। जैसे नीचे से ये खोले बंद किए, इधर का भी खोले बंद किए, इसको गोल घुमा लिए 10 टाइम्स 10 टाइम्स, इसको भी गोल घुमा लिए, सेम उसी को पैर यहाँ बांध के इसको सीधा और ऐसे कर लिए, ये जॉइंट का एक्सरसाइज, यहाँ भी सीधा और ऐसे कर लिए, ये जॉइंट का एक्सरसाइज, इसको थोड़ा अगर साइड करना चाहे तो ऐसे खींच लीजिए, ऐसे खींच लीजिए, तो ये सारा 3-3 बार पीछे, अब इस जॉइंट को था पीछे से भी ले लिए, पीछे से भी ले लिए, तो यहाँ तक का हो गया। अब कमर पे आए तो नीचे झुक लिए, पीछे झुक लिए, अब इसी में हम लोग आगे भी ऐसे एक पैर आगे पीछे करके, दूसरा पैर आगे पीछे करके ये भी करते हैं, क्रॉस करके भी करते हैं, पैर क्रॉस झुके इधर गए, पैर क्रॉस झुके इधर गए, ठीक है। ये एक्सरसाइज भी कर लीजिएगा आगे पीछे झुकने का, तो कमर तक आप एक्टिव हो गए, कमर तक एक्टिव होने का, अगर कमर को और ज़्यादा करना है तो साइड थोड़ा झुक लीजिए, इधर इधर, सामने हाथ करके सांस छोड़ते इधर गए, सांस लेते यहाँ आए, सांस छोड़ते इधर गए, सांस लेते यहाँ आए, इसमें भी वही करना है, जैसे दब रहा है तो सांस छोड़ना है, ऊपर आया सांस लेना है, पीछे झुक रहे हैं तो डायफ्राम फैलेगा, लंग्स फैलेगा, जगह बनेगा, सांस लेना है, जब भी सिकुड़ेगा डायफ्राम और लंग्स सिकुड़ेगा वहाँ पर छोड़ना है, ताकि शरीर को आपके एक्सरसाइज के द्वारा मदद भी मिले ऑक्सीजन ज़्यादा लेने में और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा छोड़ने में, वेस्ट प्रोडक्ट ज़्यादा निकालने में और न्यू फ्रेश एनर्जी लेने में मदद मिलती रहे, ऐसे एक्सरसाइज करना है। अब यहाँ तक कर लिए, अब ये इसके बाद फिर वही सब जो बैठे बैठे किए थे वही सेम खड़े खड़े इसको घुमा लेना है, फिर ये आपको याद ही होगा, ये वाला कर लेना है, फिर ये खोल लेना है, फिर वही खड़े खड़े सारा जो बैठे बैठे किए थे इसको एक्टिव करने के बाद अब जो है स्टार्ट होता है एरोबिक एक्टिविटीज़। तो सबसे अच्छा अभी दुनिया का एक्सरसाइज है, अगर जॉगिंग या वॉकिंग छोड़ दिया जाए, वो है जंपिंग, हल्का हल्का जंपिंग, क्योंकि अभी साइंस ये एक्सरसाइज साइंस ये प्रूव कर रहा है कि जब आप एंटी ग्रेविटेशनल एक्सरसाइज करते हैं, यानी जंपिंग स्किपिंग ये जब आप करते हैं, तो ये है एंटी ग्रेविटेशनल एक्सरसाइज। एंटी ग्रेविटेशनल एक्सरसाइज करने पे आपका जॉइंट्स ऊपर की ओर खींचता है, हाइट बढ़ने में मदद मिलती है, और फीमेल के लिए तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि पेट के मसल्स जब हिलते हैं तो आपस में कॉम्पैक्ट होकर बनते हैं, क्योंकि बार बार हिल रहे हैं तो कॉम्पैक्ट होकर जब बनते हैं तो उससे क्या होता है कि जो बाद के कॉम्प्लिकेशंस हैं
जो अधिकतर यूट्रस में यहाँ वहाँ प्रॉब्लम होता है और ऑपरेशन अधिकतर पेट से संबंधित ऑपरेशन अधिकतर फीमेल में होता है, तो वो नहीं होगा अगर आप एंटी ग्रेविटेशनल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो। और दूसरा, ये सबसे अच्छा एरोबिक एक्सरसाइज है स्किपिंग और जंपिंग। तो कोई म्यूजिक, ऐसा म्यूजिक लगाए जो आपको प्रिय हो, 5-10 मिनट का, दो गाना सेलेक्ट कर लीजिए शुरू शुरू में, पहले एक गाना से स्टार्ट लीजिए, और जो जंप भी नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए हल्का हिल लीजिए, ऐसे हिल लीजिए, और जो जंप कर पा रहे हल्का 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 जंप कर ले, और जिनको थोड़ा सा है कि थोड़ा फैट भी गल जाता जंप के साथ, वो थोड़ा इसको मूव कर लीजिए, और म्यूजिक के साथ अगर मिला लीजिए, जैसे मैं म्यूजिक बजता है तो ऐसे 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 भी कर लेता हूँ साथ में, तो आराम से इसको एक्टिव कर लीजिए। और ये बेस्ट एक्सरसाइज मैं मानता हूँ फिटनेस के लिए। ये थोड़ा इधर उधर चल गया और कुछ नहीं, आपको और मन कर रहा है, देखिए जिसका बॉडी वेट ज़्यादा है, 50 ईयर से जो ज़्यादा के हैं और जिनका बॉडी वेट ज़्यादा है, या जो BMI में ओबीज में आ रहे हैं, वो लग जब जंपिंग एक्सरसाइज करेंगे या रनिंग करेंगे तो उनका एंकल का जॉइंट, नी का जॉइंट, रीढ़ की हड्डी के लास्ट का जॉइंट, ये खत्म हो सकता है। उसको स्ट्रेस फ्रैक्चर, एक टर्म है, स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकता है उसमें। इसलिए उससे बचने के लिए वो लोग स्टार्ट किससे करें, तो घर में इससे स्टार्ट करें, ऐसे स्टार्ट करें, पहले कोई म्यूजिक बजा ले ऐसे, इसी में रिदम अगर आ जाए तो रिदम के साथ थोड़ा सा हाथ को मदद लें, ऐसे ऐसे मदद लें, या ऐसे 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 मदद लें, और ये करें 5 मिनट से। जब थोड़ा बॉडी वेट घट जाए आपके डाइट और एक्सरसाइज के द्वारा, डाइट को कम नहीं करना है, डाइट को चेंज करना है, यानी फाइब्रस फूड। अब देखिए मैं डाइट का अलग बनाने वाला हूँ, उस समय बता दूंगा, ऐसे मैं संक्षेप में बताता हूँ कि जितना ज़्यादा फ्रूट्स लेंगे, हरी सब्जियाँ लेंगे और रफेज जो है छिलके के साथ चीज़ लेंगे, उतना ज़्यादा आपका डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा रहेगा, पेट वो सब चीज़ों से भरा रहे, और फैट की चीज़ें कम लीजिए, और आइसक्रीम ऐसे तो अभी मना भी है, आइसक्रीम चॉकलेट्स और ये सब, तो ये सब कम से कम लीजिए, और ये चीज़ ठीक है। तो ये जो है आपका एरोबिक साइज जो है ज़रूरी है, एरोबिक साइज करते रहिए, और 5-10 मिनट से स्टार्ट करके 20-30 मिनट जा सकते हैं। एरोबिक के कुछ म्यूजिक के साथ जो एक्सरसाइज है वो मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको घर में करने के लिए सबसे अच्छा ये है, या फिर ये है जंप, और इसी जंप में जिसको मन कर रहा है वो थोड़ा सा मूव कर जाइए, और ये फैट के लिए तो बहुत अच्छा है, जिनका फैट थोड़ा है और घटाना चाहते हैं, पेट के पास फैट है और घटाना चाहते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा है ये। म्यूजिक लगा लीजिए और टाइम मत देखिए, 5-10 मिनट तो म्यूजिक में चल जाएगा, म्यूजिक में लीन हो जाइए, अगर जगह है तो आँख बंद कर सकते हैं, तो आँख खुला रखिए, सचेत रहिए, क्योंकि हमारे घर में जगह कम है तो मैं सचेत रहता हूँ भाई कहीं टकरा ना जाऊँ, तो छोटे जगह पर हम लोग ये ऐसे करते हैं एक्सरसाइज। तो ये पूरा आपका एक्सरसाइज हुआ, और आप लोग सब लास्ट तक जो भी देखे सबको धन्यवाद, आप लोग फिट रहिए और इम्यून सिस्टम को मजबूत रखिए अपना, हार्ड ट्रेनिंग भी मत कीजिए, आराम से उतना ही कीजिए जितना आपका बॉडी आराम से अडॉप्ट कर पा रहा है, और इंटेंसिटी ज़्यादा हाई नहीं करना है। आप लोग सब स्वस्थ रहें, हम लोग सब घर में रहें, सेफ रहें, और अच्छे से एक दूसरे की मदद करें, और स्वस्थ रहते हुए कुछ दिन बाद हम लोग सब बाहर में मिले, इसी आशा के साथ सभी को धन्यवाद।